उधर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के बुलारे मलविंदर कंग ने कहा कि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसकी ताज़ा उदाहरण जलंधर च देखने को मिली है जिथे रिश्वत लैण वाली महिला कलर्क से मामला दर्ज किया गया। इस तों अलावा डॉक्टर सनी आलूवालिया ने कहा कि सीएम भगवंत मान ने सबका विधायकों की पेंशन लैके इतिहासक फैसला लिया तो इस फैसले सदका अगले 5 साल करोड़ों रुपए की बचत होगी। तीसरा ही दिन होया एंटी करप्शन एक्शन लाइन नू अनाउंस किए हुए मान साहब द्वारा एक जलंधर के तहसीलदार के ऑफिस तो शिकायत मिली एंटी करप्शन एक्शन लाइन नू जिथे उस तहसीलदार के ऑफिस की एक कलर्क ने किसी भी पंजाबी तो नौकरी देने दे नाम से रिश्वत मंगी ते मानयोग मुख्यमंत्री के आदेशों नाल एंटी करप्शन एक्शन लाइन ने इमीजिएटली एक्शन लिया और FIR दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। आने वाले समय च भी चाहे वह कोई पोलिटिकल लीडर होवे ब्यूरोक्रेसी का वड्डा अफसर होवे चाहे कोई कलर्क होवे क्लैरिकल वाला होवे कोई भी इंसान अगर करप्शन च लिप्त पाया गया ते एंटी करप्शन एक्शन लाइन जिहड़ी पंजाब दी मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने स्थापित की आ इमीजिएटली उहदे खिलाफ जिहड़े आ कॉन्सिक परिणाम जिहड़े उहदे खिलाफ एक्शन लऊगी उहदे जिहड़े कॉन्सिक्वेंसेस है इमीजिएटली पंजाब दे लोकां दे सामने भी आउणगे परिणाम। जिहड़ा अज बहुत वड्डा डिसीजन साडे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने लिता है वह यह लिता है कि कई साडे MLA XMLA छे पेंशन लै रहे थे उस पेंशन नू विड्रॉ करते हुए उन्होंने एक गल क्लीयर की है कि हुण हर एक MLA नू XML नू सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। जिन्हें भी MLAs ने उन्होंने 3 तो लैके 5 तक 6 तक ईवन पेंशन मिलती पी जिदे अंदर कई MLAs नू काफ़ी क्योंकि तकलीफ होगी उन्होंने फिक्स करता है कि हर एक XML नू 75,000 रुपये तो उपर किसी भी पेंशन नहीं दी जाएगी घट तो घट नहीं तो 80 करोड़ रुपया जिहड़ा खर्चा हैगा ये 5 साल का बचेगा जिहड़ा कि आपां पंजाब दी वेलफेयर लई बैटरमेंट लई पंजाब दे लोकां दे उत्ते लाया जाएगा।